दोस्तों अगर आप भी ब्लॉगर पर एक एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आपकी ऑलरेडी एक एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट ब्लॉगर पर है और उसके लिए आप एक बेस्ट थीम सर्च कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिले और आपको बिल्कुल प्रीमियम लुक दे, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बेस्ट 5 एपीके थीम फॉर ब्लॉगर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें कि आप बिल्कुल फ्री में गूगल पे सर्च करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल थीम लगती है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई विजिट करेगा तो वो जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट क्रिएट की वो ब्लॉगर पर है या वर्डप्रेस पर है। तो अगर आप इन थीम्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए मैं जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट टेम्पलेट की तरफ। तो ब्लॉगर के लिए फर्स्ट एपीके टेम्पलेट है हमारा दोस्तों पावर एपीके। अब पावर एपीके का आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका होम और आपकी कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिल जाती है जिसमें कि कोई भी यूजर किसी एप्लीकेशन को आपकी वेबसाइट में सर्च कर सकता है। यहाँ पर आपकी फीचर डेप्थ का ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड इस तरह से आपकी एप्लीकेशन और आपके गेम्स वगैरह यहाँ पे शो होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना प्रोफेशनल टेम्पलेट आपको ये लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पेज नेविगेशन वगैरह शो हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा टेम्पलेट है दोस्तों, आप इसको अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके कस्टमाइजेशन में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत मिनिमम कस्टमाइजेशन आपको इसमें करना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं हमारे सेकंड टेम्पलेट की तरफ। तो सेकंड टेम्पलेट हमारा आता है दोस्तों सोरा एप्स का। अब सोरा एप्स की बात करें तो यहाँ पर आपका लोगो आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेड पेजेस वगैरह होते हैं अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मेन मेनू मिल जाता है, इसमें आपको मेगा मेनू वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इनका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना लोगो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ एप्लीकेशन ऊपर आपको इस तरह से देखने को मिलती है। अब नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पूरी कैटेगरी आपकी इस तरह से शो होती है और ये कुछ कुछ लुक आपको प्ले स्टोर जैसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और इसे भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोरा ऐप यहाँ पे टाइप करना है, आपको ये टेम्पलेट इजिली मिल जाएगा। नीचे फुटर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका फुटर कितना प्रोफेशनल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब चलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको मोबाइल व्यू भी दिखा देता हूँ। चलिए मोबाइल व्यू को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल पर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे मोबाइल व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी जा रही है प्ले स्टोर की तरह और नीचे आपके पूरे एप्लीकेशन वगैरह आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। और अगर फुटर की बात करें तो मोबाइल में आप देख सकते हैं कि आपको फुटर किस तरह का देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब चलिए हमारे चलते हैं तीसरे नंबर के टेम्पलेट की तरफ। तो थर्ड टेम्पलेट हमारे यहाँ पे आता है दोस्तों ग्रीन एपीके। अब इस टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी लुक आपको बिल्कुल प्रोफेशनल देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी टेम्पलेट आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये ब्लॉगर के लिए बने, लेकिन ये 100% ब्लॉगर के लिए बने हुए टेम्पलेट है। यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के पेजेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एड स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाती है, यहाँ पर आपके मेनूज वगैरह आपको मिल जाते हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्लाइडर मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रोफेशनल टेम्पलेट आपको देखने को मिलता है, फुटर वगैरह सब आप देख सकते हैं। अब अगर इसका भी मैं आपको मोबाइल व्यू दिखाऊं तो चलिए इसका भी मोबाइल व्यू मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए डेवलपर टूल को ओपन करते हैं, यहाँ से मोबाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल व्यू आपको इसका कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हमारे अगले टेम्पलेट की तरफ। तो फोर्थ नंबर पर जिस टेम्पलेट को मैंने रखा उसका नाम है दोस्तों एपीके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट मिलता है। यहाँ पर आप अपने सोशल लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट पेजेस वगैरह आ जाते हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, डीएमसी वगैरह। यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने मेनू और मेगा मेनू को आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके इस तरह से स्लाइडर मिल जाते हैं और नीचे की साइड आएंगे यहाँ पे आपको एक एड स्लॉट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके मोस्ट डाउनलोड एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके सोशल प्लगइन दिया गया है और यहाँ पे आपकी पॉपुलर पोस्ट और यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल पोस्ट होती है वो सारी आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का ये टेम्पलेट है दोस्तों और ये ब्लॉगर के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आप अपना अबाउट अस ऐड कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, फुटर क्रेड वगैरह आप सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसका भी मैं आपको यहाँ पे मोबाइल व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका भी मोबाइल व्यू देख लीजिए, यहाँ पे आपके मेनू वगैरह इस तरह से पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा नीचे की साइड आएंगे यहाँ पे आपको स्लाइडर वगैरह, नीचे आपकी एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। ये चलते हैं हमारे लास्ट वाले टेम्पलेट की तरफ जिसको कि मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा, तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों एप्स एपीके। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है इस टेम्पलेट का। यहाँ पे आपका लोगो वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्च बार प्रोवाइड की जाती है,
इसके अलावा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एप्लीकेशन का मेनू क्रिएट कर सकते हैं, एक आप गेम्स का मेनू क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी की कैटेगरी ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी बाकी की कैटेगरी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सोशल लिंक आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन, आपके गेम्स वगैरह कुछ इस तरह से शो होते हैं। यहाँ पे साइड में भी आपकी कैटेगरी शो होती है और नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर भी आप अपने इंपोर्टेंट पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, फोटो क्रेडिट वगैरह आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसका भी मैं आपको मोबाइल व्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर इसके मोबाइल व्यू की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको मोबाइल व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका लोगो और आपका ये मेनू यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट आपके मोबाइल पे शो होने वाली है। इस तरह से दोस्तों ये 5 बेस्ट टेम्पलेट मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए क्योंकि देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए तो वो जज ना कर पाए कि आपकी वेबसाइट अपने ब्लॉगर पर क्रिएट कर रखी है, वर्डप्रेस पर क्रिएट कर रखी है। तो इसमें से कोई सा भी टेम्पलेट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो जो टेम्पलेट मैंने आपको नेम बताया, आपको सिर्फ एक नेम गूगल पे डालना है, आपको सभी टेम्पलेट के फ्री वर्जन मिल जाएंगे और आप इन्हें बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके अपनी एपीके वेबसाइट पर इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।